पार्टी जवान और किसान की पार्टी है। जिस दिन किसान तकलीफ में होगा, जवान तकलीफ में होगा, मैं सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों की रखवाली के लिए सड़क पे बैठूंगा। ये संदेश मैंने दिया था। अभी जब अग्निपथ योजना आई, जब देश के किसान के बेटे कहने लगे हनुमान जी आर्मी को ठेके पे दे दिया, फौज को संविदा पे दे दिया, उस वक्त देश के किसानों के बेटे आगे नहीं आए। जो एमपी और एमएलए एक व्यक्ति लड़ाई करने के लिए आगे आया, उसने हुंकार भरी कि अग्निपथ वापिस लेना पड़ेगा, ठेके पे जो सेना को दे रहे हो ये गलत है, हमारी पुरानी सेना भर्तियां बहाल करो। और इसको लेके जोधपुर में 2 लाख जवानों की अगर रैली करके मोदी को चेतावनी दी, वो नागौर के आपके लाल शेखावटी के आपके भाई और तेजा भक्त हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली की सरकार को चुनौती दी कि ये सेना भर्ती जो संविदा पे आप दे रहे हो, अग्निपथ योजना है, इसको वापिस दें। क्योंकि मेरी पार्टी जवान और किसान के नारे के साथ और जवान और किसान की पार्टी है, ये दोनों काम आप लोगों के लिए किए। और आज भी जब लंपी की बीमारी यहाँ फैली हुई है, मैं तेजाजी महाराज से अरदास करना चाहूंगा कि जिस तरह गायें दम तोड़ रही है, सबसे पहले लंपी का मामला भी लोकसभा के अंदर उठाया, सांसद तो 25 है राजस्थान के अंदर, खाटू श्याम जी के अंदर जब त्रासदी होती है कोई नहीं बोलता, एक ही एमपी बोलता है, वो हनुमान बेनीवाल है जो इस व्यवस्था को बदलने की बात करता है। लंपी की बीमारी से जो हमारी गौ माता दम तोड़ रही है, मैं कहना चाहूंगा उन नेताओं को जो गाय के नाम पे हमेशा वोट मांगते रहे, जब गाय खत्म ही हो जाएगी तो वोट किसके नाम पे मांगोगे। जिस तरह तेजाजी ने 1000 साल पहले गायों की रक्षा करी, मैं तेजाजी महाराज से अरदास करता हूँ कि लंपी की बीमारी को खत्म करें, हमारी गौ माता को स्वस्थ करें, और जब गाय रहेगी तभी तो हम लोग रहेंगे और गाय से ही सब कुछ है। तो भाइयों, आज यहाँ से एक संदेश सीकर से और देना चाहूंगा। आज बेरोजगारी की समस्या मुंह फाड़ के खड़ी, जिस तरीके से जिस तरह रोज अखबार में पढ़ते हैं कि बेरोजगारी से तंग आके नौजवानों ने आत्महत्या करी, कर्जे के बोझ के तले किसान आत्महत्या कर रहा है, और बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान कैसे बने? हम अपराध में ऐसे चले गए कि हमारी बालिकाएं सुरक्षित नहीं, बालक सुरक्षित नहीं, घटनाएं जो हो रही सीकर के अंदर, एक वकील जो न्याय दिलाता है लोगों को वो इसलिए आत्महत्या कर ले कि उसका न्याय से भरोसा उठ जाए। मैं धन्यवाद दूंगा शेखावाटी के वीरों को, उसके वकील के लिए आपने संघर्ष किया, प्रयास किया, और हम सब मिलकर आने वाले समय के अंदर बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान कैसे बने, हमारे शेखावटी का विकास कैसे हो, सांगलिया का विकास कैसे हो, और तेजाजी के आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित कैसे हो। मैं एक ही विश्वास आपको दिलाता हूं, आज कोई राजनीतिक बात करने यहाँ पे नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आपको अपनी वीरता याद दिलाने के लिए आया हूं। जिस तरह बजरंग बली को उसकी ताकत याद दिलाते थे और हनुमान जी महाराज बड़ी से बड़ी विपदा को टाल देते थे, इसी तरह शेखावटी के जवानों को उनकी ताकत याद दिलाने उनका भाई उनके बीच आया है। मैं आपको आपकी ताकत याद दिला रहा हूं, भाइयों उठो, इस व्यवस्था को बदल दो।